हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूनाइट क्लासेस। तो आज हम क्या करेंगे, एक और क्वेश्चन करेंगे इनकम मेथड का। तो इनकम मेथड में मैंने क्या बताया था कि इनकम मेथड में हमको क्या मिलता है, एनडीपीएफसी। क्या मिलता है, एनडीपीएफसी। अब यहां पे हमको फाइंड करने का क्या बोला है, हमको बोला है कि फाइंड क्या, कैलकुलेट एनएनपीएफसी। एनएनपीएफसी मींस नेशनल इनकम, तो कैलकुलेट नेशनल इनकम करने का बोला है। तो अब यहां पे हमको जो वैल्यूज दी हुई है, जो फैक्टर्स दिए हुए, वो क्या है, कुछ कुछ ही दिए हुए हैं। मतलब यहाँ पे सब फैक्टर्स नहीं दिए होंगे। तो क्या करना है आपको, तो नॉर्मली हम जब भी नेशनल इनकम मेथड, नेशनल इनकम फाइंड करते हैं थ्रू इनकम मेथड, तो हमको क्या मिलता है, एनडीपीएफसी। और वो कैसे मिलता है, हम करते हैं मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड प्लस कंपेंसेशन टू एम्प्लॉय प्लस क्या, ऑपरेटिंग सरप्लस। तो इन तीन चीज़ों को ऐड करके हमको क्या मिलता है, एनडीपीएफसी। तो सबसे पहले हम एनडीपीएफसी फाइंड करेंगे, एनडीपीएफसी। तो अब एनडीपीएफसी, बट यहाँ पे मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं दी है आपको, तो आप क्या करोगे, उसको इग्नोर करोगे। अब यहाँ पे आपको क्या दिया है, वेजेस एंड सैलरी, तो वो आएगा हमारे इसमें। फिर इंटरेस्ट, ये सब बाद में आएगा। बट सोशल सिक्योरिटी बाय एम्प्लॉयर्स, तो ये भी किस में आएगा, कंपेंसेशन टू एम्प्लॉयज में ये दो आएंगे। अब ये रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, ये किस में आएगा, ऑपरेटिंग सरप्लस। मतलब यहाँ पे हमको, आपको क्या नहीं दिया, आपको मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं दी है, तो आप क्या करोगे, सिंपल इसको इग्नोर करोगे और जो दिया है उसको क्या करोगे, ऐड करोगे। तो हम इन चीजों को ऐड करेंगे। तो क्या है, सबसे पहला वेजेस एंड सैलरी, क्या है, वेजेस एंड सैलरी प्लस रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस सोशल सिक्योरिटी बाय एम्प्लॉयर। अभी समझो कि यहां पे अगर सोशल सिक्योरिटी बाय एम्प्लॉयज होता तो आप इसको क्या करते, इग्नोर करते। बट यहां पे क्या है, सोशल सिक्योरिटी बाय एम्प्लॉयर है, इसलिए क्या करोगे, आप इसको ऐड करोगे। अब लास्ट में क्या है, प्रॉफिट। अभी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जो भी आपको चीजें दी हो आप उन सबको ऐड करो, आपका आंसर आएगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो क्या है, सबसे पहला वेजेस, तो वेजेस है 600। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है रेंट, तो रेंट प्लस 200 प्लस इंटरेस्ट 300 प्लस सोशल सिक्योरिटी बाय एम्प्लॉयर। क्या, सोशल सिक्योरिटी बाय एम्प्लॉयर कितना है, 100 प्लस प्रॉफिट 300। अब टोटल करेंगे क्या होगा, 800 प्लस 300, 1100, 1100, 1200 एंड 1400 कितना है, 1400। तो क्या लिखोगे आप, रुपीस 1400 करोड़। फिर से एक बार देख लो, 800, हाँ वो ही है। तो क्या यहाँ पे, ये क्या आया हमको मिला, एनडीपीएफसी मिला। क्या मिला, एनडीपीएफसी। तो आप इसको बॉक्स में लिखिए। अब नेक्स्ट हमको क्या फाइंड करने का क्या बोला है, हमको फाइंड करने का बोला है एनएनपीएफसी। तो एनएनपीएफसी कैसे मिलेगा, हमको एनडीपीएफसी मिल चुका, तो अब उससे हम करेंगे एनएनपीएफसी फाइंड। तो कैसे करेंगे, एनएनपीएफसी इज इक्वल टू एनडीपीएफसी। तो नेशनल, सॉरी, नेट टू नेट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, डोमेस्टिक टू नेशनल। तो क्या करोगे, एड एन एफ आई ए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, वो भी हमको दी हुई है, ये रही नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, उसको प्लस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, डोमेस्टिक टू नेशनल, तो आप इसको प्लस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एनएनपीएफसी मिलेगा, मतलब नेशनल इनकम मिलेगी। तब मैं वैल्यू पुट करूंगा, क्या है वैल्यू, 1400 प्लस, यहाँ पे क्या है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है नेट फैक्टर इनकम टू एब्रॉड, मतलब हमको नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड नहीं दिया, क्या दिया है, टू एब्रॉड। मतलब हमको ये जो दिया है वो नेगेटिव वैल्यू है, मतलब क्या करोगे आप, माइनस 50। तो यहाँ पे प्लस माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 50, तो क्या आएगा, 1350। क्या आएगा, 1350। तो आप इसको क्या कहोगे, नेशनल इनकम। तो ये क्या था, एकदम सिंपल सम था। आपको ऐसे अगर सम पूछो तो आप क्या करोगे, सिंपली सॉल्व कर दोगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक और क्वेश्चन करेंगे, किसका, नेक्स्ट वीडियो में हम एक और क्वेश्चन करेंगे नेशनल इनकम का। फिर हम स्टार्ट करेंगे एक्सपेंडिचर मेथड।